नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आई खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वालों पर प्रशासन की गाज, कई दुकानें सील, दर्जन भर लोग पुलिस हिरासत में। बंगाल में हिंसक झड़प और हिंसा के विरोध में भाजपाइयों ने दिया वर्चुअल धरना। विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी। और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले दुकानदार और कारोबारियों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए प्रशासन ने गुरुवार को कई दुकानों को सील किया और दर्जन भर दुकानदारों को और कारोबारियों को पकड़कर थाने ले गई। शहर में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन सरकारी आदेश को सख्ती से पालन कराने में जुटा है। बावजूद इसके हर दिन शहर में बाजारों में लोग एवं कारोबारी नियमों को ताक पर रखकर अपने साथ आम लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। हर दिन सरकारी आदेशों का पालन कराने को लेकर प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। आपको बताते थे कि जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक स्तर पर है। हर दिन मौत के आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। सरकारी आदेश के तहत दिन के 2 बजे तक ही जरूरी सेवाओं के दुकानों को खोले जाने का आदेश है, मगर हर दिन 2 बजे के बाद प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। गुरुवार को नियमों का अनुपालन नहीं करते हुए कई दुकानदारों को और ग्राहकों को पकड़ा गया और उन्हें पकड़कर थाने ले जाया गया। कुछ दुकान ऐसे भी कि पीछे से सामान बेच रहे थे, ऐसे भी शिकायत मिल रही थी, कुछ कार्रवाई किया पता चला था ना, वैसा हम लोगों को जानकारी मिला तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए। नतीजे आने के बाद बंगाल में हो रहे हिंसक घटनाओं के विरोध में भाजपाइयों ने देश भर में धरना व प्रदर्शन किया। शहर में भी भाजपाइयों ने अपने अपने घरों से धरना प्रदर्शन किया और हिंसक घटनाओं के पीछे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आते ही पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ गई है। जहाँ बंगाल में हिंसा के खिलाफ बुधवार को जमशेदपुर भाजपाइयों ने अपने अपने घरों में दिन के 1 बजे धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। जमशेदपुर महानगर भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया कि बंगाल में जिस तरह भाजपा नेताओं को टारगेट कर टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी जी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र के विरुद्ध काला इतिहास लिख रही है। जिस दिन से वहां उन्होंने चुनाव में विजय हासिल किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। हमारी महिला बहने कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कार्यकर्ताओं के घर जला दिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। मानगो आजाद नगर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 9 बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित लोग पुलिस कप्तान के पास गुहार लेकर पहुंचे हैं। एक फर्जी एजेंट द्वारा शहर के 9 बेरोजगार युवकों के साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है। आरोप जुसलाई शांति समिति के सदस्य अब्बास अंसारी ने CTSP से शिकायत की। शिकायत में बताया गया है कि उनके दामाद एजाज अहमद समेत 9 लोगों को टूरिस्ट वीजा पर दुबई, प्लम्बर समेत अन्य घरेलू कार्य के लिए नौकरी उपलब्ध कराने के नाम पर भेजा गया था। वहां पहुंचने पर पता चला कि उन्हें टूरिस्ट बीमा पर भेजा गया है, उन्हें किसी तरह का कोई ऑफर नहीं दिया गया है और वे खाली हाथ वहाँ से लौटने को मजबूर हो गए। और वो जिसने उसके साथ जो लड़का लोग दिया, वो बहुत ही गरीब लड़का है। अपना घर का जेवर बंधक कर करके, जेवर को बेच करके, ब्याज में पैसा लेकर के किया है। वो लोग काफी परेशान है। मैंने आप कानूनी कार्रवाई का मांग कर रहे हैं? कानूनी कार्रवाई करने के लिए पिछले दिनों मांग किए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस कोरोना काल में अपनी जीवन दांव पर लगाकर दिन रात ड्यूटी कर रहे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहलाने वाले पुलिसकर्मी सचमुच बहुत कठिन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाने को मजबूर है। इस कोरोना काल में 24 घंटे जिम्मेदारी निभाने वाले जवानों ने खुद की जिंदगी भी दांव पर लगा दी है। इनमें से कई संक्रमित भी हो गए हैं। शहर की कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इनकी सुधि ले रही है। इनके बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया जा।
साथ ही धूप और बारिश में सड़कों पर ड्यूटी करने वाले जवानों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। इस कोरोना काल में लगी पाबंदियों का असर न केवल आम जनजीवन पर पड़ता नजर आ रहा है, बल्कि इसका असर जीव जंतु और परिंदों पर भी देखने को मिल रहा है। दाना पानी के अभाव में परिंदे हर आगंतुक को आशा की नजर से देख रहे हैं। कोरोना की मार क्या इंसानों पर पड़ी, बेजान जानवर और परिंदे भी पूरी तरह से परेशान है और पानी दाना के लिए तरस रहे हैं। इसे लोगों को इधर उधर भटकने के लिए मजबूर है। ये परिंदे आपको जो ये नज़ारा दिखा रहे हैं, ये नज़ारा है साक्षी के जुबली पार्क का, जहाँ कई परिंदे भूखे बेहाल आपको दिख रहे हैं। पहले लोग पार्क में घूमने आया करते थे तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ खाने के लिए व्यवस्था करते थे, पर अब लॉकडाउन के चलते लोग पार्क नहीं आ रहे हैं। फिर कहे तो लोग कोरोना के डर से घर पर ही अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पर इन परिंदों के लिए काफ़ी मुश्किलों की घड़ी आ गई है। वे हर आगंतुक को बड़ी ही आशा की नज़र से देखते हैं और दाना पानी की अपेक्षा करते हैं। और अभी मैं फिलहाल जुगली पार्क गेट पे हूँ, जहाँ पे हम डेली आते हैं यहाँ पे। और अभी हमने ये देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, जो मतलब आप समझिए कि इनके पास अभी खाने को नहीं है, मतलब ये ढूंढ रहे हैं खाना। तो हमसे भी जो पन पड़ता है, जो लंच के लिए लाते हैं, वो हम लोग दे देते हैं। बट ये लॉकडाउन ने ऐसा इन पर प्रभाव दिया है, सभी के ऊपर दिया है, इनके ऊपर भी आया है। अभी जो पहले यहाँ पे लोग घूमने आते थे आपका जुगली पार्क में, तो कुछ कबूतर मॉर्निंग में आते थे, इवनिंग में आते थे, तो कुछ कबूतरों को दे देते थे खाने के लिए, बिस्किट दे दिए, रोटी दे दिए, कुछ दाना दे दिए। अभी तो वो भी बंद है। श्री श्याम कला भवन चांडिल द्वारा कोरोना संक्रमित परिवारों के लिए श्याम भोजनम योजना की शुरुआत की गई है। संस्था द्वारा संक्रमितों के दरवाजे तक पौष्टिक भोजन पहुँचाया जा रहा है। श्री श्याम कला भवन चांडिल के द्वारा कोरोना संक्रमित परिवारों के लिए श्री श्याम भोजन योजना का शुरुआत की गई है, जो पिछले 7 दिनों से चल रहा है। कला भवन के सचिव संजय चौधरी जानकारी देते हुए बताए कि चांडिल क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों बस्तियों में हमारी संस्था द्वारा संक्रमित परिवारों के लिए पौष्टिक भोजन पहुँचाया जा रहा है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी के अलावा दही एवं फल है। कला भवन चांडिल के द्वारा कोरोना संक्रमित परिवारों के लिए श्री श्याम भोजनम योजना का शुरुआत पिछले 7 दिन पहले किया गया था, जिसका लाभ चांडिल क्षेत्र के कई मोहल्लों और बस्तियों में पहुंचाया जा रहा है। हमारा ये सेवा निःशुल्क पूरी तरह से है और हम सभी कोरोना पीड़ित परिवारों से अपील करना चाहते हैं, वो लोग निसंकोच हमारे नंबरों पर फ़ोन करें। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल टेक्नीशियन, ICU टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इन गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस। क्वालिफिकेशन 12th डिप्लोमा इन ICU और इन हॉस्पिटल वर्क्स। Salary as per Jharkhand government norms. Interested person may contact. अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर,
कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर, लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674, 7070343333। Welcome to City's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। The best play school of your town, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through playway method. Prepare your child with love and care. Well-qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल. With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by playway method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specially
in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. All types of biscuits, marriage anniversary cake, and school order specials. Please do visit with your friends and family. Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India. विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म. भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त. यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें. ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान. Iconic Overseas Services, Road No. 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 9693916751, 9693916752 and 0657229980.